नमस्कार, एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पर हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का ऑन ऑफ और ट्रिप, इसका सिस्टम किस प्रकार से चलता है ये हम लोग जानेंगे। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का पार्ट टू वीडियो है। इसके पहले भी अलग अलग जितने भी आप ये देख रहे हैं डायग्राम, इसके ऊपर वीडियो बन चुका है, ठीक है। यानी कि पावर का अलग, कंट्रोल का अलग और ऑन ऑफ ट्रिप का अलग, मतलब ये सेपरेट मतलब इसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, ठीक है। लेकिन ये वीडियो जो है पूरा डायरेक्ट पावर, कंट्रोल, ऑन ऑफ ट्रिप तीनों एक में है इसका वायरिंग। ये जो आप वायरिंग डायग्राम देख रहे हैं, ये सिर्फ वायरिंग डायग्राम नहीं है, सिर्फ हम इसको आपको बनाने के लिए जो है इसको बता दिए हैं कि इसका वायरिंग डायग्राम इस तरह से होता है। जब प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे तो प्रैक्टिकल में एक एक करके पूरा को जो है सबका डिस्क्राइब हम करेंगे, सबका मतलब वर्णन इसमें रहेगा, ठीक है। एक एक करके देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ये पहले जान लेना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक बार आप लोग ड्राइंग समझ लिए, अब वैसे जैसे डिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ, जैसे बताना है, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं वैसे अगर बता दीजिएगा 100% आप सक्सेस होंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो है ये आइसोलेटर है, ठीक है ना, आइसोलेटर, ठीक है। आइसोलेटर का काम क्या है, मेक एंड ब्रेक, ठीक है ना, यानी कि पावर को जोड़ना और पावर को तोड़ना, मेक एंड ब्रेक का काम आइसोलेटर का है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर, ठीक है ना, कॉन्ट्रेक्टर का काम क्या है कि कॉन्ट्रेक्टर पावर सप्लाई जब इसके क्वाइल में जाता है तो ये मैग्नेट एनर्जाइज करेगा। अब मैग्नेट एनर्जाइज करने के बाद, मैग्नेट जब एनर्जाइज होगा तो इसकी पत्ती जो है होती है, इसमें एक पत्ती होती है ये वाला, इधर से ऐसे पत्ती लगी होती है, ठीक है ना। तो जो पत्ती लगी होती है तो पत्ती का जब स्ट्रेस होता है तो ये पावर जो है आपस में जो है टच हो जाता है, ठीक है ना। अब तब सप्लाई हमारा ओवरलोड रिले को मिलता है, ठीक है ना। ओवरलोड रिले के बाद से हमारा मोटर के टर्मिनल में जाता है, ये हमारा मोटर, यहाँ पर ये ओवरलोड रिले, ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रेक्टर, ये आइसोलेटर। ध्यान रखिएगा एकदम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो रहता है ये पावर में रहता है, ठीक है ना। वायरिंग डायग्राम दो टाइप में होता है, पावर में अलग और कंट्रोल में अलग। पावर में यहाँ पर 3 फेज का सप्लाई चल रहा है, लेकिन कंट्रोल में कैसे चल रहा है आगे आप देखिए। जैसे कहने का मतलब है कि ये ओवरलोड रिले हो गया, कॉन्ट्रेक्टर, ये आइसोलेटर, यहाँ से फेस आ रहा है आर वाई बी, ठीक है, यानी कि रेड येलो ब्लू 3 फेस आ रहा है, ठीक है ना। ये 3 फेस का मोटर है। अब इसके आगे जैसे आप कंट्रोल में जाइएगा तो कंट्रोल में आपको सिर्फ 220 वोल्टेज पर काम करना है, ठीक है ना, 220 वोल्टेज पर कंट्रोलिंग ज्यादातर आपको 220 वोल्टेज पर ही मिलेगा, ज्यादा आप लोग देखिएगा तो, ठीक है। लेकिन यदि 220 पर जैसे कॉन्ट्रेक्टर का क्वाइल, जैसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ 220 ही रहेगा, ठीक है ना। अगर 415 वोल्ट आ गया, यानी कि 415 वोल्ट में अगर आता है तो यहाँ पर हम एक फेस लिए हैं इधर न्यूट्रल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब 415 कॉन्ट्रेक्टर का क्वाइल को हम देंगे सप्लाई, ठीक है ना, तो उसमें यहाँ फेस रहेगा तो एक फेस यहाँ पर रहेगा, यानी कि आर फेस अगर हम ऊपर से देते हैं तो कॉन्ट्रेक्टर के क्वाइल पर जैसे यहाँ पर न्यूट्रल हम दिए हुए हैं तो वहां पर भी फेस आपको देना है, ठीक है, ये माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है। अब कंट्रोलिंग में यहाँ पर आर वाई बी किसी एक फेस से जो है हम कंट्रोल इसको कर रहे हैं, जैसे हम बी ब्लू से ही ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ब्लू से ही लेंगे, रेड से भी ले सकते हैं, येलो से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से हमारा ये कंट्रोलिंग में आप चल रहा है, यानी कि एमसीबी, ठीक है ना, कंट्रोलिंग में एमसीबी लगा हुआ है। एमसीबी के बाद से, ठीक है ना, ये हमारा ओवरलोड रिले है, ठीक है ना। ओवरलोड रिले 95 और 96 पॉइंट जो रहता है ओवरलोड रिले में, वो जो है एनसी रहता है, यानी कि नॉर्मल क्लोज, ठीक है। तो ओवरलोड रिले से पावर सप्लाई हमारा जो है यहाँ पर स्टॉप पुश बटन के पास आता है, ये स्टॉप पुश बटन है, ये देख लीजिए, स्टॉप पुश बटन भी एनसी रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट पुश बटन एनो रहता है, यानी कि हमारा पावर सप्लाई यहाँ पर आके रुका हुआ है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर,
ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर के 13 नंबर और 14 नंबर यहाँ पे यानी कि 13 नंबर के पास भी यहाँ पर आके पावर सप्लाई रुका हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप जैसे ऑन ऑफ ट्रिप के लिए यहाँ पर ऑन का इंडिकेशन लेंथ है, ठीक है, यहाँ पर ऑफ का, ये ट्रिप का ध्यान रखना है, ऑन ऑफ और ट्रिप। देखिए कंडीशन कौन कौन से होते हैं ट्रिप करने का ये भी ध्यान रखना है। अगर मोटर जो है ओवरलोड में जाती है, लोड ओवर में चले जाती है, तो लोड ओवर में चली जाएगी तो ट्रिप हो जाएगा, तो ट्रिप का इंडिकेशन लैंप जलेगा। ऑन रहेगा तो ऑन का इंडिकेशन लैंप जलेगा, ऑफ रहेगा तो ऑफ का इंडिकेशन लैंप, यानी कि ग्रीन जो रहेगा, ग्रीन जो रहेगा वो है ऑन का, ठीक है। अगर रेड लैंप रहता है, ठीक है, तो वो ऑफ का। अगर येलो कलर का लैंप रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रिप का। अगर लाइट ऐसे इंडिकेशन करे तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, पावर सप्लाई यहाँ पर भी, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऑफ मोटर है अभी, तो ऑफ की कंडीशन में हमारा ये पावर सप्लाई यहाँ पर आया है, ठीक है ना, 21 और 22 ये एनसी है, किसका, तो कॉन्ट्रेक्टर का, ठीक है ना। इससे जो है हमारा जो है ऑफ का लाइट ऑलरेडी यहाँ पर ऑन ऑफ का लाइट जो है जल रहा है, यहाँ पर पावर सप्लाई है। A1 पर यहाँ पर हम दिए हुए हैं क्या फेज, इधर A2 से न्यूट्रल, ठीक है, तो ये ऑफ हो गया, यानी कि ऑफ का इंडिकेशन लाइट जल रहा है, ठीक है। अब जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते ही, ठीक है, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा सीधा कहाँ आएगा, ये कॉन्ट्रेक्टर कॉइल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर कॉइल में A1 पर फेस पहुंचेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फेस पहुंचेगा, A2 पर हम न्यूट्रल दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैग्नेट एनर्जाइज करेगा तो कॉन्ट्रेक्टर की पत्तियां आपस में शॉर्ट हो जाती है, यानी कि एक में मिल जाती है, पावर सप्लाई आगे बढ़ता है। तो पावर सप्लाई आगे बढ़ेगा तो सीधा हमारा ये ऑन का इंडिकेशन, ठीक है ना, जल जाएगा, ठीक है, ऑन का इंडिकेशन लाइट ब्लिंक करेगी, ऑन हो गया, ठीक है। उसी पीरियड में जब ऑन करेंगे तो ये जो एनसी है ना, ये एनओ हो जाएगा, यानी कि यहां से पावर सप्लाई कट हो जाएगा, यानी कि ऑफ का जो है लाइट बंद हो जाएगा, ऑफ का इंडिकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी पीरियड में ये 13 नंबर और 14 नंबर जो होल्डिंग पॉइंट है 13-14 ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां से हमारा सप्लाई जो है सीधा इधर आ जाएगा। ये क्यों लगाया जाता है, ये होल्डिंग पॉइंट है, ये इसको होल्डिंग पॉइंट बनाया जाता है, ठीक है ना, होल्डिंग, तो इसको होल्डिंग इसलिए बनाया जाता है कि स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो जब तक प्रेस करेंगे तभी तक ना वो जैसे काम करेगा, फिर छोड़ देंगे तो वो बंद हो जाएगा। इसके लिए ये होल्डिंग पॉइंट बना दिया गया है क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टर हमारा मैग्नेट एनर्जाइज करेगा, तो इधर से सप्लाई होके ऐसे हमारा ऑन का इंडिकेशन दिखाएगा, ठीक है। और इसके बाद से ट्रिप के पोजीशन में चलते हैं, ये ट्रिप के पोजीशन में, ठीक है ना। जब मोटर ओवरलोड में जाएगी, यानी कि ओवर जितना आप एम्पियर सेट किए रहेंगे, जैसे 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, जो भी आप एम्पियर सेट किए रहेंगे, उस एम्पियर से अगर लोड ज्यादा होता है, ठीक है, तो ओवरलोड रिले में आप एम्पियर सेट किए रहते हैं तो वो क्या करेगा, ओवरलोड रिले पहले तो नॉर्मल कंडीशन में 95 से 96 में जैसे सप्लाई दे रहा था, ठीक है, लेकिन ट्रिपिंग के कंडीशन में, ठीक है ना, यानी कि ट्रिप के कंडीशन में, यानी कि ओवरलोड हो जाता है तो ट्रिप के कंडीशन में ये 95 तक तो सप्लाई आएगा लेकिन 96 से ये आउट इधर नहीं करेगा, यहां से सप्लाई ये आउट नहीं करेगा, सीधा कहां करेगा, 97 को सप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो 97 पर सप्लाई रहता है, क्या तैयार करना शुरू करता है 98 से, यानी कि 96 को सप्लाई नहीं देगा, सीधा सप्लाई
98 को देगा, ठीक है ना, 98 को देगा, क्योंकि 97 और 98 जो है हमारा इनो पॉइंट ओवरलोड में रिले में होता है। 97 और 98 जो है ठीक है इनो पॉइंट होता है। तो ट्रिप के कंडीशन में जब मोटर ओवरलोड में जाएगी तो वहां पर 96 को सप्लाई ना देके यहां पर 98 को सप्लाई मिलेगा, यानी कि ये चीज इसमें जुड़ जाएगा, ध्यान में रखना है ठीक है। और यहां से सप्लाई जो है ब्रेक हो जाएगा ठीक है, यहां पर सप्लाई नहीं पहुंचेगा ठीक है। कब तक? जब तक आप जाके उसको मैनुअली रीसेट नहीं करेंगे तब तक। अगर मैनुअली जाके ओवरलोड रिले को रीसेट करते हैं तब तो जाके ट्रिप का लाइट बंद होगा और फिर आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में जो है इतना जो है प्रोसेस रहता है ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी हम अगले वीडियो में बताएंगे, एकदम सेम टू सेम। जरूरी नहीं है कि डायग्राम हो गया, डायग्राम आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ऐसे ही अगर आप काम करेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या आईटीआई कर रहे हैं, टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, सब लोग से जितना भी है सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।